राजनांदगांव शहर के एफसीआई गोदाम में राइस मिलर द्वारा शासकीय चावल जमा किए जाने वाली ट्रकों की कतार से चावल की बोरियां चोरी होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव शहर के एफसीआई गोदाम में शासकीय चावल जमा करने वाले मिलर्स को टोकन मिलने पर ही गोदाम के भीतर चावल अनलोड करने के लिए प्रवेश दिया जाता है, लेकिन जब तक टोकन नहीं मिलता तब तक उन्हें शहर के आउटर में बाईपास रोड पर खड़ा कराया जा रहा है, जहां ट्रकों से चावल की बोरियां चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले में सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और चावल चोरी के 4 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धर दबोचा। इस मामले में कोतवाली टीआई का कहना है कि इसमें मुख्य आरोपी उमेश साहू द्वारा, जो स्वयं ट्रक ड्राइवर है, हाईवे किनारे चावल से भरे खड़े सैकड़ों ट्रकों की निगरानी करता था। जिस ट्रक में ड्राइवर रात में नहीं रहते थे, उस ट्रक के बारे में जानकारी अपने साथियों को देकर मोटरसाइकिल एवं ई रिक्शा में चावल को लोड कर चोरी की घटना को अंजाम देता था। कुछ दिनों से थाना कोतवाली को शिकायत मिल रही थी कि हाईवे पे जो ट्रकें खड़ी होती है, जिसमें जो एफसीआई के लिए चावल लोड करके आती है, उसमें चोरियां हो रही है, जिस पर हम लोगों ने लगातार वहां पे एफआईआर करने के बाद टीम लगा रखा था। आज हम लोग को 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनके कब्जे से लगभग 101 बोरी चावल बरामद हुआ है। अभी 4 को विधिवत हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और आज माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं, और विवेचना के क्रम में और कोई तथ्य आएगा तो आप लोग को शेयर करेंगे। इसमें मुख्य रूप से एक ड्राइवर था, उमेश साहू, जो लखोली का रहने वाला था। वो चूंकि यहाँ पे प्रतिदिन 100 से 150 ट्रकें खड़ी रहती है, तो जिस ट्रक का ड्राइवर नहीं रहता था उस ट्रक को वो रैकी करता था और बाकी अपने साथियों के साथ मिलकर वो चोरी की घटना को अंजाम देता था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने राजनांदगांव शहर लखोली क्षेत्र निवासी उमेश साहू, उमेश विश्वकर्मा, ईश्वर साहू, भारत चौहान को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,02,000 कीमत का 101 कट्टा चावल, एक मोटरसाइकिल और चोरी में प्रयुक्त एक ई रिक्शा को जब्त किया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।